बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान इन दिनों अपनी फिल्मों को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। वहीं आज हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको शाहरुख से जुड़ा एक ऐसा किस्सा सुना रहे हैं जिसके बारे में शायद ही बहुत ही कम लोग जानते हों। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड का दबाव हमेशा रहा है। अपने करियर के शुरुआत में शाहरुख खान ने भी इसे अनुभव किया है। उन्हें भी अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर्स अबू सलेम और छोटा शकील की ओर से धमकी भरे कॉल आते थे। फिल्म क्रिटिक अनुपमा चोपड़ा की बुक द किंग ऑफ बॉलीवुड के मुताबिक एक बार जब अबू सलेम ने शाहरुख पर अपने चहेते प्रोड्यूसर के साथ फिल्म करने का दबाव बनाया था और कहा था कि तू मुस्लिम भाइयों की मदद क्यों नहीं करता, तब शाहरुख ने उसे साफ लहजे में कहा था, व्हाट इज योर प्रॉब्लम सर, मैं तुम्हें नहीं कहता कि किसे गोली मारना है, इसलिए तुम भी मुझे मत बताओ कि मुझे कौन सी फिल्म करनी चाहिए। शाहरुख खान को अबू सलेम का फोन यश चोपड़ा के फिल्म दिल तो पागल है के सेट पर आया था। एसआरके के मुताबिक उनके लिए यह अनुभव काफी डराने वाला और दबाव वाला था, हालांकि उन्होंने इसका सामना काफी हिम्मत से किया था। शाहरुख ने अबू सलेम के साथ हुई बातचीत के बारे में उस वक्त डिप्टी पुलिस राकेश मारिया को बताया था, जो 2014 में मुंबई पुलिस के कमिश्नर बने और 2017 में रिटायर हुए थे। राकेश मारिया ने शाहरुख को बताया था कि फोन पर सलेम से कैसे निपटा जाए, इसके साथ ही उन्हें पुलिस सुरक्षा भी दी गई थी। मारिया ने शाहरुख को दूसरे स्टार्स के बारे में जानकारी न देने और माफिया के बारे में खुलकर बात न करने की सलाह दी थी। सलेम ने शाहरुख से कभी पैसे नहीं मांगे, लेकिन वो उनसे हमेशा उन फिल्मों में काम करने के लिए कहता था जिसमें उसने इन्वेस्ट किया था। संघर्ष के इन दिनों में शाहरुख ने बुलेट प्रूफ बीएमडब्ल्यू कार खरीद ली थी और अपने साथ प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड भी रखने लगे थे। उस समय शाहरुख महेश भट्ट की फिल्म डुप्लीकेट की शूटिंग भी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी परेशानी का असर फिल्म के कॉमेडी सीन्स पर नहीं पड़ने दिया। शाहरुख को छोटा शकील ने भी कॉल किया था। हालांकि शाहरुख इन गैंगस्टर्स से बड़ी ही विनम्रता के साथ बात करते थे और पूरी जानकारी राकेश मारिया को दे देते थे। कुछ साल तक संघर्ष करने के बाद शाहरुख के पास अंडरवर्ल्ड के फोन कॉल आने बंद हो गए थे। आपको शाहरुख खान से जुड़ा ये किस्सा कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।